नमस्कार, मैं मदन लाल रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज के प्रायोगिक कार्य में जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट का अपना जो है वो मुझे उद्देश्य है जल में उपस्थित मुक्त क्लोरीन का आकलन करना, एस्टिमेशन ऑफ फ्री क्लोरीन इन वाटर। जब जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसके अंदर क्लोरीन पास की जाती है ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए उसके अंदर क्लोरीन तो पास कर दी गई है। अब फ्री क्लोरीन वाटर के अंदर है तो उस वाटर में कितनी फ्री क्लोरीन है? फ्री क्लोरीन वाटर में बहुत ज़्यादा यदि होती है तो वो नुकसानदायक होती है, इसलिए उस फ्री क्लोरीन का आकलन करते हैं कि वो फ्री क्लोरीन कितनी है जल में और उस फ्री क्लोरीन का आकलन कैसे किया जाता है। तो आज अपने इसका अध्ययन करेंगे कि अनुमापन विधि द्वारा जल में जो फ्री क्लोरीन है वो कितनी है, उसका आकलन किस तरह से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि उद्देश्य तो अपना है जल में उपस्थित मुक्त क्लोरीन का आकलन करना, फ्री क्लोरीन का आकलन करना, ये अपना प्रायोगिक कार्य का उद्देश्य है। इसमें उपकरण कौन कौन से चाहिए होंगे? ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, स्टैंड, ब्यूरेट स्टैंड, परखनली स्टैंड, ये अपने को उपकरणों की आवश्यकता होगी यहाँ पर, जो सामान्यतया प्रयोगशाला में प्रयुक्त होते हैं। अब आवश्यक विलयन कौन कौन से होंगे, कौन कौन से विलयन यहाँ पर अपन प्रायोगिक कार्य में काम में लेंगे? सबसे पहले पोटेशियम आयोडाइड का विलयन, KI का विलयन होगा। दूसरा होगा सोडियम थायोसल्फेट का विलयन, सोडियम थायोसल्फेट का विलयन अपने यहाँ पर चाहिए होगा, उसको काम मिलेंगे। ये दो विलयन अपने पास में काम आएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में यह है कि पानी में क्लोरीन की मात्रा का आकलन करने के लिए पानी के नमूने में KI की अधिकतम मात्रा मिलाई जाती है। जिस पानी का फ्री क्लोरीन ज्ञात करना है कि फ्री क्लोरीन उसमें कितनी है, वो है सैंपल वाटर। उस सैंपल वाटर के अंदर एक्सिस में KI मिलाई जाती है। जल में उपस्थित मुक्त क्लोरीन पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण करती है। अब जल में उपस्थित क्लोरीन जो है वो KI जो है पोटेशियम आयोडाइड है, इसका ऑक्सीकरण करती है और इस क्रिया में आयोडीन I2 यहां पर जो इस मुक्त आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड की शेष बची मात्रा में घुलकर विलयन का रंग बैंगनी बना देती है। यहाँ पर विलयन का रंग बैंगनी बना देती है, यानी Cl2 प्लस 2KI 2KCl प्लस I2 या आयोडीन गैस निकल रही। ये आयोडीन गैस KI के साथ KI प्लस I2 KI3 ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और वोयलेट इसका कलर होता है, वोयलेट कलर इसका हो जाता है, बैंगनी रंग इसका होता है। ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स अपने यहाँ पर इस टाइट्रेशन के अंदर इसके अंदर बनता है। अब देखिएगा उपरोक्त क्रिया में मुक्त आयोडीन की मात्रा सोडियम थायोसल्फेट के प्रमाणिक विलयन से अनुमापन कर ज्ञात की जाती है। अब इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ में आयोडीन कितनी मुक्त आयोडीन हुई, ये तो आयोडीन जितनी मुक्त हो रही है उतना ही इसका मतलब उसमें क्लोराइड है, तो वो टाइट्रेशन से ज्ञात की जाती है और इसके अंदर स्टार्स को जो है वो एज ए इंडिकेटर सूचक के रूप में स्टार्स को काम में लिया जाता है। अब यहाँ देखो देखिए जैसे ये मुक्त आयोडीन है तो ये सोडियम थायोसल्फेट से क्रिया करती है, सोडियम आयोडाइड बनता है और यहाँ पर सोडियम ट्राइकोथायोसाइनेट बनता है। यहाँ पर फिर ये आयोडीन है, मुक्त आयोडीन हुई, ये स्टार्च से क्रिया करेगी और डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाएगी, गहरा नीला संकुल बनाती है।
अब देखिएगा कि ये जो एक्सरसाइज अपन कर रहे हैं, इसके एक्सरसाइज के अंदर जो टाइट्रेशन की जा रही है, उस टाइट्रेशन में जो रीडिंग आ रही है, उस रीडिंग को अपन नोट करते हैं प्रेक्षण सारणी में, ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल कैसी बनती है देखिएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल बनी हुई होती है यहाँ पर, जिसमें शुरू में होती है क्रम संख्या, पिपेट द्वारा लिए गए मानक विलयन का आयतन, जो सैंपल वाटर है जिसमें फ्री क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करनी है, वो पिपेट आउट अपन कितना कर रहे हैं वो यहाँ लिखा जाएगा। जैसे 20 ml पिपेट आउट कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे 20 ml। दूसरा, ब्यूरेट का पाठ्यांक ज्ञात करना है, सोडियम थायोसल्फेट का विलयन जो ब्यूरेट में भरा हुआ है। जब टाइट्रेशन करते हैं तो प्रारंभिक बिंदु क्या है ब्यूरेट का, और जब एंड पॉइंट आता है तब कितनी रीडिंग आ रही है, अपन कितना वॉल्यूम सोडियम थायोसल्फेट का कंज्यूम हो रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है वो प्रयुक्त विलयन जो एक्चुअल रीडिंग आ गई जो ml में अपन यहाँ पर लेते हैं। यही एक्सरसाइज फिर रिपीट की जाती है, 20 ml पिपेट आउट किया और उसके अंदर जो है वो उसके बाद में एक्सिस में उसके अंदर KI डाल दिया, KI एक्सिस में डालने के बाद उसमें स्टार्स डाल दिया, स्टार्स डालने के बाद में फिर इसको टाइट्रेट करते हैं सोडियम थायोसल्फेट से, सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेट करते हैं तो जीरो या उससे जो है जीरो से पहली एक्सरसाइज से आगे यदि उसको डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं या ब्यूरेट को वापस जीरो लेवल पे सोडियम थायोसल्फेट भर करके और जीरो लेवल पे ले आते हैं, फिर टाइट्रेशन करते हैं, टाइट्रेशन करते हैं तो अपने पास जो भी रीडिंग आ रही है, एंड पॉइंट आ रहा है जहाँ कलर चेंज हो रहा है, गहरा नीला रंग आ रहा है, वो पॉइंट यहाँ पर अपन ने नोट कर लिया। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एक्चुअल में विलियन, कितना विलियन काम में आया वो यहाँ पर आ गया। फिर इसी रीडिंग को फिर अपन रिपीट करते हैं, इसको 3 या 4 बार रिपीट किया जाता, तब तक रिपीट किया जाता जब तक कोई भी दो रीडिंग सेम नहीं आए, कोई भी दो रीडिंग जो है वो सेम नहीं आए तो फिर उसको रिपीट करेंगे। तो मानक सैंपल जो है स्टैंडर्ड जो सैंपल अपने उस सैंपल में से 20 ml पिपेट आउट करेंगे, ब्यूरेट को वापस जीरो तक भर देंगे और यहाँ पर 20 ml में फिर उसमें एक्सिस में KI डालेंगे, उसको हिलाएंगे, फिर उसमें स्टार्स डाल करके फिर टाइट्रेशन करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट से टाइट्रेशन करते हैं तो एंड पॉइंट आता है जब गहरा नीला, बैंगनी रंग से गहरा नीला रंग हो जाता है, वो अपना एंड पॉइंट होता है, फिर उस एंड पॉइंट को नोट करेंगे। तो जिन भी दो रीडिंग की के अंदर समानता आ रही है, समान रीडिंग आ रही है दो दो टाइट्रेशन की, उस समान रीडिंग को सुसंगत पाठ्यांक एक्चुअल रीडिंग मानते हुए अपन यहाँ पर उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में जो भी टाइट्रेशन कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पर नोट करते रहते हैं, जो दो कॉमन रीडिंग है उन कॉमन रीडिंग को यहाँ फाइनल रीडिंग मानते हुए नोट कर लिया जाता है। अब देखिएगा इसके बाद में इसकी गणना की जाती है। अब अपने पास में यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया है, वी वैल्यू जो आई है वो अपन ने ज्ञात कर ली टाइट्रेशन से। उसके बाद में गणना कैलकुलेशन है कि माना कि 50 ml का नमूना लिया था, सैंपल जो है सैंपल वाटर था उसमें से 50 ml पिपेट आउट किया था, तो VML और N/50 नॉर्मलिटी का है, इसको इससे गुणा कर दिया सोडियम थायोसल्फेट के, फिर 50 × मुक्त क्लोरीन की नॉर्मलता कितनी है, V/50 × N नॉर्मलिटी, फिर मुक्त क्लोरीन की नॉर्मलता V × N/50 × 1/50, 200 times हो गया, N/50 ये था तो ये 1/50 हो गया। अब मुक्त क्लोरीन की कंसंट्रेशन अपने को ज्ञात करनी है कि मुक्त क्लोरीन कितनी निकली, उसकी सांद्रता अपन ज्ञात कर लेते हैं, ये है कितनी मुक्त क्लोरीन, तो मुक्त क्लोरीन V × यहाँ पर 35.5 × 10³, यानी लीटर में निकाल रहे हैं इसको, 10³ मतलब 1000 ml / 50 × 50, यहाँ अपने पास में आ गया
वी इंटू 35.5 इंटू 10 to the power 3, वी इंटू 35.5 गुणा 10 to the power 3 डिवाइडेड बाई 50 into 50। ठीक है, ये ppm है। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास में आते हैं 14.2 into V ppm। जो V है ये अपने को यहाँ से प्राप्त हुआ है। जो रीडिंग अपन ने ली थी, टाइट्रेशन की थी, उस टाइट्रेशन में सोडियम थायोसल्फेट का कितना वॉल्यूम एक्चुअल में कंज्यूम हुआ था, वो V यहाँ से अपने को ज्ञात हो गया। तो 14.2 के अंदर यदि ये V की वैल्यू पुटअप करके उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में मुक्त क्लोरीन की मात्रा आ जाएगी। अब ये प्रैक्टिकल होने के बाद में इसका लिखा जाता है परिणाम, रिजल्ट क्या है इसका। तो अब इसका रिजल्ट अपन लिखेंगे कि दिए गए सैंपल वाटर में, नमूना जल में उपस्थित मुक्त क्लोरीन की मात्रा, जो भी अपने पास में मात्रा आई है, वो ppm में प्राप्त हुई है। ये यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं और यहाँ अपनी एक्सरसाइज जो है वो पूर्ण हो जाती है। इस तरह से प्रयोगशाला में जो जल, नमूना जल दिया गया है, उसमें मुक्त क्लोरीन की मात्रा इस विधि द्वारा, अनुमापन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और उसमें यदि क्लोरीन की मात्रा, जो नमूना जल है, यदि पीने योग्य उसको काम में लेना है, यदि मात्रा ज़्यादा है तो उस मात्रा को कम किया जाता है रासायनिक विधि द्वारा, क्योंकि यदि वो ज़्यादा रहेगी तो आगे पीने के काम में यदि उस जल को लिया जाएगा तो वो शरीर के अंदर कई प्रकार के नुकसान करता है। इस तरह से ये एस्टिमेशन ऑफ फ्री क्लोरीन इन वाटर अपनी एक्सरसाइज थी। धन्यवाद।